पूर्वी दिल्ली नगर निगम शाहदरा उत्तरी जोन के पूर्व चेयरमैन एवं यमुना विहार निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता ने अपने वार्ड के सभी पर्यावरण सहायकों एवं कोरोना संकट में काम करने वालों को रियल जूस के दो दो पैकेट प्रदान किए। इस कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को पार्षद कार्यालय C9/24 यमुना विहार में किया गया। दरअसल बृहस्पतिवार को जोन चेयरमैन के अग्रवाल ने हर वार्ड के पार्षदों को कर्मचारियों की संख्या के अनुसार रियल जूस की पेटियां प्रदान की थीं, जिनको हर वार्ड में पार्षदों ने अपने नेतृत्व में वितरित किया। पार्षद प्रमोद गुप्ता ने कहा कि भाजपा निगम कर्मचारियों का बेहतर ख्याल रखती है। देखिए, कोविड के दौरान हमारे निगम कर्मचारियों ने बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी मेहनत, ईमानदारी और अपनी, मैं समझता हूँ, ड्यूटी से ऊपर उठकर समाज की चिंता करते हुए कार्य किया है। आज निगम के माध्यम से हमने सभी निगम कर्मचारियों को दो दो फ्रूट जूस की बॉटल्स उनको भेंट स्वरूप प्रकट की हैं और मैं सभी को स्वास्थ्य की चिंता करता हूं, कामना करता हूं। एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ये आज बांटी गई हैं और सब लोग बड़ा खुश हैं, जैसा कि आपने देखा अभी। देखिए, हम सलाम करते हैं सभी उन योद्धाओं को जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़कर, चाहे कोरोना महामारी में हमारे निगम के कर्मचारी थे व अन्य सरकारी लोग थे, बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया। प्रेस ने भी अपना काम आगे बढ़कर अपनी जान की चिंता ना होते हुए किया, पुलिसकर्मियों ने, डॉक्टर्स ने, हम उन सभी को प्रणाम करते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं कि शायद आज वो अपना काम जिम्मेदारी से ना करते तो देश की स्थिति बहुत खराब हो सकती थी। और समय समय पर जगह जगह पर RWA के माध्यम से, मेरे खुद के अपने ऑफिस के लोगों के माध्यम से, समाज के माध्यम से हमने हर उस व्यक्ति को सम्मानित किया जिसने आगे बढ़ के। आज हमारे वार्ड के निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी ने कोरोना वायरस के बाद में अपने कार्यालय पर बुलाकर हम सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए फ्रूटी जूस बांटा है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते निगम कर्मचारियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर अपने कार्य को बखूबी से किया और जनता को इस कोरोना वायरस से बचाने में अहम किरदार निभाया। उनके उसी जज्बे को ध्यान में रखते हुए वे स्वस्थ रहें, इसी सोच के साथ निगम ने यह एक छोटी सी पहल की है। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।